नीति आयोग रे नवीन कर दाबी ओडिसा को स्पेशल फोकस स्टेट मान्यता दाबी दाबी कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रतिवर्ष प्राकृतिक विपर्यय रो सामना करुछि ओडिसा तेणु स्वतंत्र राज्य पाहिया सहित अधिक अनुदान दाबी करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता रे नीति आयोग बैठक बसिछि। राष्ट्रपति भवन रो सांस्कृतिक केन्द्र रे अनुष्ठित हेउछि बैठक। तेबे बैठक रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विषय रे आलोचना करा जायछि। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को व्यतीत सबु राज्यर मुख्यमंत्री ए बैठक रे जोग देइछंती। ओडिसारो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्य जोग देइछंती। ओडिसा को स्वतंत्र राज्य पाहिया मान्यता कृषि स्वास्थ्य सहित राज्य स्वार्थ संबलित विभिन्न प्रसंग मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उठाइछंती। ओडिसा प्रतिवर्ष प्राकृतिक विपर्यय सम्मुखीन हेउछि तेणु राज्य को स्वतंत्र पाहिया मान्यता देवा सहित यार मुकाबला पई ओडिसा को अधिक सहायता देवाकु नवीन पूर्णी दाबी करिछंती नीति आयोग सम्मुखरे। तेबे नीति आयोग रे पुणी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिसा को स्वतंत्र राज्य मान्यता दाबी करुछंती कारण प्रतिवर्ष प्राकृतिक विपर्यय सामना करुछि ओडिसा। स्वतंत्र राज्य पाहिया सहित अधिक अनुदान दाबी करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। किछि दिन नीति आयोग सदस्य मध्य मुख्यमंत्री को ओडिसा रे साक्षात करथिले। से समय रे मध्य मुख्यमंत्री नीति आयोग रो सदस्यक सम्मुख रे मध्य समान दाबी उपस्थापन करथिले जे ओडिसा को स्वतंत्र राज्य रो मान्यता प्रदान करा जाउ एहा सहित अधिक अनुदान मध्य प्रदान करा जाउ कारण ओडिसा रे जो प्राकृतिक दुर्विपाक लगातार भाव में सामना करुछि ओडिसा तहार प्रभाव रे अधिक मात्रा रे क्षयक्षति घटुछि तेणु राज्य रे जो अग्रगति रही विशेष भाव में प्रभाव पकाउछि तेणु अधिक अनुदान नहीं मध्य मुख्यमंत्री दाबी उपस्थापन करिछन्ति नीति आयोग सम्मुखरे। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने के आम सहित रही आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि नुआ दिल्ली सीधा सड़क जोड़ी होती विनीत झा। विनीत जानना चाहेंगे जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी जे जो फिर से और एक बार नीति आयोग के सामने जो ये तमाम बैठक चल रहा था फिर से वही मुद्दा उठाया है और उड़ीसा को स्पेशल फोकस स्टेट का जो दाबी है वो फिर से उठाया है मुख्यमंत्री ने। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें राज्य को विशेष रियायत देने की मांग की है। जैसा कि उन्होंने मैं साफ तौर पर जब अपनी वो बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उड़ीसा में हमने देखा है कि पिछले बीते दिनों कई कैलामिटी आए हैं, कई आपदाएँ आए हैं जिससे उड़ीसा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऐसे में उड़ीसा को कुछ रियायत देने की मांग जो है उन्होंने की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वह पूरे देश का विकास चाहते हैं ऐसे में उड़ीसा का विकास भी काफी महत्वपूर्ण है और उड़ीसा में के विकास के लिए उन्होंने केंद्र से सहायता की मांग की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन पटनायक ने पीएम जो आवास योजना है उसमें भी कुछ तब्दीली करने की बात की है, चाहे वो पीएम शहरी आवास योजना हो या पीएम ग्रामीण आवास योजना हो उसमें भी तब्दीली करने की मांग की है ताकि उड़ीसा के लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। उनका साफ तौर पर कहना है कि उड़ीसा की जो भौगोलिक स्थिति है वो अन्य राज्यों से अलग है, ऐसे में पीएम की जो शहरी आवास योजना है या ग्रामीण आवास योजना है उसमें उड़ीसा को कुछ रियायत देने की वो मांग कर रहे हैं ताकि उड़ीसा का भी विकास हो सके और अल्टीमेटली जो विकास है वो पूरे देश का विकास हो सके, इसीलिए वो इस रियायत की मांग कर रहे हैं। तो आज नीति आयोग की बैठक में जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से विशेष रियायत की मांग की है, विशेष पैकेज की मांग की है ताकि प्रदेश का जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। जी विनीत, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, जो नवीन जी ने जो प्रस्ताव रखा था नीति आयोग के सामने कि हमें स्पेशल फोकस स्टेट की मान्यता चाहिए, इसके बाद नीति आयोग का रिएक्शन क्या था? पॉजिटिव रिएक्शन मिला या फिर कोई अलग ही रिएक्शन मिला? जी निश्चित तौर पर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जो मांगे थी उसे गंभीरता से सुना है। हालांकि यह एक प्रक्रिया होती है, यहाँ पर नीति आयोग जो है वो उसे एक प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही जो है वो जो फंड रिलीज किए जाते हैं वो फंड रिलीज किए जा सकते हैं। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता के साथ सुना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए और उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए ही इस तरह की बैठक जो है नीति आयोग की बैठक जो है वो की जाती है। इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाता है जहां पर केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के प्रतिनिधि दोनों ही मौजूद रहते हैं और दोनों ही अपनी एक दूसरे की बात करते हैं ताकि बेहतर तरीके से इन चीजों को लागू किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की ओर से जब बातें कही जा रही थी जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि की बात की, किसानों की बात की, किसानों की आय बढ़ाने की बात की, साथ ही साथ जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी बात की। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी हो जाती है कि जिस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, लोगों के स्किलिंग की बात की ताकि लोगों को अधिक से अधिक स्किल पे में जो है वो दिया जा सके, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, इसकी भी बात जो है वो नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जी तो उड़ीसा को स्पेशल फोकस स्टेट के बाद और कौन से मुद्दे थे और कौन से प्रस्ताव थे जो नवीन जी ने नीति आयोग के सामने रखा है? जी वह जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वह नवीन पटनायक वह जो है वो साफ तौर पर मैं चाहते हैं मैं कि वह जो स्पेशल ग्रांट जो है वो उड़ीसा को दिया जाए और कुछ मामलों में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ मामलों में उड़ीसा को अलग से छूट दी जाए। जैसा कि मैं हमने आपको यह भी बताया कि जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात होती है केंद्र में स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें जो मैक्सिमम फंड होता है वो केंद्र सरकार का होता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वह वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या फिर वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर के कुछ सुधार जो है वो किए जाए और इसीलिए उन्होंने स्पेशल फंड की भी मांग की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि उड़ीसा में जिस तरह की कैलामिटीज आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज की बात नवीन पटनायक ने की और उसके उसके बिहाफ पर उन्होंने केंद्र सरकार से अलग से फंड की मांग की है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश के विकास को लेकर के नवीन पटनायक ने पूरी तरह से सजगता दिखाई है। और जैसा कि नवीन पटनायक ने अपने जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जैसा कि नवीन पटनायक ने अपने स्पीच में यह भी कहा है कि अगर पूरे भारत को विकसित करना है तो सभी राज्यों को भी साथ में बढ़ाना होगा, सभी राज्यों को विकसित करना होगा और इसी कड़ी में उन्होंने उड़ीसा के विकास की भी बात की और स्पेशल ग्रांट की भी बात की। जी तो दीदी ये भी हम देख सकते हैं कि एनडीए का अभी जो नारा है पूर्वोत्तर का विकास किया जाएगा, पूर्वोत्तर का विकास होगा तो देश का विकास और जल्दी हो पाएगा, इसी के हिसाब से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन जी ने जो स्पेशल फोकस स्टेट का मान्यता दावी किया है बा अपना जो प्रस्ताव रखा है उसको गुरुत्व के साथ लिया जा सकता है क्या? जी निश्चित तौर पर निश्चित रूप से आम सहित रही थे आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि विनीत झा जहाँ अधिक सूचना देते जे नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी ओडिशा रे स्पेशल फोकस स्टेट मान्यता दावी करिछंती। ओडिशा रे बारंबार प्राकृतिक दुर्विपाकर सामना करुछि ओडिशा एवं अन्य प्रसंगगुड़िक उपस्थापन करिछंती मुख्यमंत्री नीति आयोग सम्मुखें।